हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक ब्यूटीफुल से चैनल ए टू जेड नीड स्टडी में। पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और देखा था, जो कि आपको समझ में भी आ गया हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर वो नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 12 फर्स्ट देख लें, क्योंकि अगर पहले हम लाइन बाई पढ़ेंगे चीज़ को तभी हम आगे चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू किसी दो ऑर्गन को जोड़ने में हेल्प करती है। जैसे कि अपन को ऑर्गन है, अपना कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन और ये ऑर्गन, ये दोनों मतलब डिस्टेंस दूर दूर है, तो इसके बीच में जो टिश्यूज़ हेल्प करेंगे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, आपको इसका मतलब सामने आ गया हो। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती हैं? किसी भी दो ऑर्गन के बीच में अगर लिंक बिठानी है तो हमको है ना टिश्यू को ज़रूरत होगी जो कि दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक बना रही हो, क्योंकि हर जगह तो हमारे मतलब आर्टरीज वेंस तो नहीं जा सकती ना, यही बात है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली एंड मोस्ट एबुंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी में होता है। ब्लड के मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यूरिया का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे ही मैं समझाता हूँ, जैसे हमारे किसी ऑर्गन ने CO2 प्रोड्यूस करी, अब वो CO2 प्रोड्यूस करेगा ऑर्गन, तो CO2 प्रोड्यूस करी तो अब CO2 को बाहर भी तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा कोई, तो वो CO2 को लेके कौन जाएगा? ब्लड। ब्लड लेके जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स के वहाँ क्या होगा? डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन से क्या होगा? CO2 बाहर चली जाएगी एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ठीक है, दे आर नेम एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया था, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये सपोर्ट भी करती है किसी ऑर्गन को। जैसे सपोर्टिंग में, जैसे कि हम मान लें बोन, जो आपकी हमारी मसल्स को सपोर्ट करती हैं, वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब अगला देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दे आर रेंज मोर सॉफ्टली कनेक्टेड टिश्यू दू स्पेशलाइज टाइप विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, हमारी इसमें ये बताया कि हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टेड टिश्यू का बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, दीज सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। ठीक है, ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो सेल हैं वो कोलाजन और इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करती है, क्योंकि ये जो दो फाइबर होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं ये किसी भी ऑर्गन को। ठीक है, अब देखते हैं हम कनेक्टिव टिशू का डायग्राम NCERT में कैसा दे रखा है। ये एक कनेक्टिव टिशू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दी फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू, हमने देखा था कोलाजन फाइबर्स और कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी टिश्यूज़ को? स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ये क्या करते हैं? पॉलीसेक्राइड भी सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती हैं? दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एक्ट एज ए मैट्रिक्स एंड ग्राउंड स्ट्रक्चर। ये जो सेल्स होती हैं ये इलास्टिन और कोलाजन फाइबर तो सीक्रेट करती है, उसके अलावा कुछ सेक्राइड पॉलीसेक्राइड सीक्रेट करती है, जो कि जो सेल का जो बीच का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इनको कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में, लूज कनेक्टिव टिशू, डेंस कनेक्टिव टिशू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू। लूज कनेक्टिव टिशू, डेंस कनेक्टिव टिशू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू में हमारे आते हैं कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड।
लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी आती है एरियल टिश्यू, जो कि हमारी स्किन में पाई जाती है एडिपोज टिश्यू, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें हमारे लेगामेंट्स और टेंडन्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हमने टाइप पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैज ए सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड। इनका नाम लूज क्यों पड़ा है? क्योंकि ये आधे जेली टाइप होते हैं, सेमी फ्लूइड टाइप होते हैं। जैसे कि आपने हमारा फैट फैट देखा होगा बॉडी में, जैसे कि आपको ये नीचे ये आपको दिख रहा होगा, ये फैट है, ये येलो कलर का, ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक पाया जाता है। एरियल टिश्यू प्रेजेंट बेनीथ ऑन द सन, एरियल टिश्यू होता है वो हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, और वो क्या करता है, एपिथीलियम जो होती है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है एरियल टिश्यू का? ये एपिथीलियम होता है, उसको सपोर्ट करता है। देखो जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल, आपकी बॉडी में फैट होगा, फैट क्या करता है, फैट एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो जेली टाइप होता है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, अब हम डायग्राम को गौर से देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखिए, ये हमारा फैट। ठीक है, ये मैंने कही थी सेल सीक्रेट क्या करती है, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करती है। तो कोलाजन फाइबर खाएं, कोलाजन फाइबर ये है, ये कोलाजन फाइबर है। ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट खाएं, ये जो आपको पिंकिश कलर का दिख रहा है ना फाइब्रोब्लास्ट, ये पीछे ये बैकग्राउंड में ये फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, और मैक्रोफेज खाएं, ये रही मैक्रोफेज। ठीक है, और ये रही एडिपोज, देखो ये जेली शेप्ड है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस सीक्रेट एंड मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। देखिए अब ये लाइन क्या कहती है, कि ये लाइन कह रही है कि जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि मास्ट सेल और मैक्रोफेज सीक्रेट करती हैं, ये क्या करती हैं, ये डिफेंस में हेल्प करती हैं, और ये हेपेरिन भी प्रोड्यूस करती है। हेपेरिन क्या है, एक मतलब जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उस टाइम है ना, किसी भी डिसीज से बचने के लिए हमारी बॉडी को सीक्रेट करती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। वो हिस्टामिन क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, एडिपोज टिशू इज एनर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिशू लोकेटेड मेनली एट दी बेनीथ एंड स्किन। जो हमारा फैट होता है, अगर वो हमारी बॉडी में फैट का यूजेज बहुत कम होता है, और जो फैट होता है जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसको कीटोन बॉडी रिलीज करता है। जैसे कि हम जब फास्ट रखते हैं तो हमारा जब फैट टूटता है तो हमारे मुंह से अलग से कीटोन की स्मेल आती है, वो कीटोन बॉडी हमारे ज़्यादा अगर कीटोन बॉडी हो जाए तो वो ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन की मेमोरी को। ये बात आप याद रख लीजिए। दी सेल दी टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। ये टिश्यूज ऐसी होती हैं, हॉलो होती हैं, जब इनके अंदर फैट बढ़ जाता है तो ये फूल जाती हैं। जैसा कि हम अगर हम कोई फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कुछ फिजिकली वर्क नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में तो फूड की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, तो एनर्जी के स्टोर में होगी, फैट या फैट ड्रॉपलेट्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, दी एक्सेस न्यूट्रिशन विच आर नॉट यूज इमिडिएटली कन्वर्ट इंटू फैट्स। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जो इस्तेमाल नहीं होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाते हैं फैट, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, लीवर में ही फैट स्टोर होता है। और जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी जो इमिडिएटली मतलब यूज़ नहीं कर पाती है, तो वो जो फूड होता है वो फैट में बदल जाता है और टिश्यूज़ में स्टोर होने लग जाता है। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, जिनका मतलब लूजली अरेंज सेमी सॉलिड में अरेंज होती है जो टिश्यूज, उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। अब बात करते हैं फाइबर्स एंड फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यू हम खत्म कर चुके हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन डेंस। उसमें जो आप कंपेयर करते हैं, देखो दो चीज़ कंपेयर करेंगे हमको तभी समझ में आती है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसमें फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं, सेमी सॉलिड, सेमी फ्लूइड लाइक, जबकि इसमें कैसे अरेंज होते हैं, पैक्ड होते हैं, पैक्ड, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होकर टाइट हो जाते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पहले हम देखते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
The orientation of fibers shows a regular or irregular pattern called dense regular and dense irregular. अब जो फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर वो पैरेलल ही हो सब फाइबर्स का, यानी एक जैसा ही हो, जैसे कि हमने ये फाइबर्स मान लिया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो ये तो हो गया रेगुलर, और अगर एक ही लाइन में अरेंजमेंट हो सारे फाइबर्स का तो वो होता है रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है. इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कॉलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द पैरेलल बंड्स ऑफ फाइबर. जैसा कि मैंने बताया था ना, पैरेलल ही अरेंज होते हैं फाइबर्स, वो होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज. टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच बोन्स टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू. देखो टेंडन्स क्या होते हैं. टेंडन्स हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और लिगामेंट्स हमारी बोन टू बोन को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि इस टिश्यूज़ के एग्जांपल है. टेंडन्स किस क्या कनेक्ट करते हैं, मसल और बोन्स के बीच में हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करने में हेल्प मदद करते हैं. ये जैसे देख लिए कोलाजन फाइबर्स. देखिए जैसे कि इसमें देखिए ये सारा जो लिगामेंट है वो पैरेलली अरेंज है. ठीक है. तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव हैज़ फाइब्रोब्लास्ट मेनली मोस्टली कोलाजन एंड ओरिएंटेड डिफरेंटली. जैसे कुछ फाइबर यूँ होंगे, कुछ फाइबर यूँ होंगे, ऐसे इसलिए इनको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं, क्योंकि जो इनमें जो कोलाजन फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर ही होता है. ठीक है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये स्किन में पाई जाती है कार्टिलेज बोन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. ये खाका पाई जाती है स्किन में, कार्टिलेज बोन और ब्लड में पाई जाती है इसका ओरिएंटेशन. ठीक है. अब देखिए ये मैंने लैंडस्केप डायग्राम है, इसलिए देखिए इसमें दोनों का डिफरेंस है. इसमें फाइबर्स यूँ अरेंज है एक ही पैरेलल में, इसमें कुछ फाइबर यूँ जा रहे हैं, कुछ यूँ, तो इसलिए ये डेंस रेगुलर है और ये डेंस इरेगुलर है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होते हैं. द इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज सॉलिड एंड फाइबर रेजिस्ट कंप्रेशन. ये कार्टिलेज तो मतलब सॉलिड होते हैं, पर ये इनको हम ना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सॉलिड नहीं बोल सकते और ना ही इनको दबा सकते हैं. ठीक है. दी सेल्स ऑफ टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोसाइट क्या होती है. कॉन्ड्रोसाइट वो होती हैं जो कार्टिलेज को सीक्रेट करती हैं. ठीक है. आर इनक्लोज्ड इन द स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स इज सीक्रेट बाय देम. ठीक है. जो कॉन्ड्रोसाइट होती है वो इन सेल को सीक्रेट करती है और इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है जो कि लैक्यूमा बोलते हैं जिसको हम. अब हमने बात करी थी लकूने. लकूने क्या होता है. लकूने होता है स्मॉल कैविटी पाई जाती हैं, स्मॉल कैविटीज पाई जाती हैं जो कि जो अपना जो होता है ना कार्टिलेज, उसके अंदर स्मॉल कैविटी पाई जाती है, उसको लकूने बोलते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रा आर रिप्लेस्ड बाय एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. जो बच्चा जब एम्ब्रियो में होता है तो उसकी जो वर्टिब्रा कॉलम होती है उसमें अधिकतर कार्टिलेज होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है क्योंकि उसको स्ट्रांग है, पूरी बॉडी का वजन झेलना है, तो वो बोन्स में बदल जाता है कार्टिलेज. कार्टिलेज में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए वो इतना हार्ड नहीं हो पाता है. इस प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज आउटर ईयर जॉइंट एडजेसेंट. कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसलिए हम उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन बोन्स को मूव नहीं कर सकते. ये देखिए जैसे कि कार्टिलेज, ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा, ये कॉन्ड्रियोसाइट दिख रही है आपको एक सेल पूरी. ठीक है. ये कॉन्ड्रियोसाइट पूरी सेल, उसके बीच में उसका न्यूक्लियस, और ये देखिए कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट, उसका पूरा, उसको कॉन्ड्रोब्लास्ट और उसको कॉन्ड्रिन बोलते हैं जो उसके अंदर फ्लूइड बह रहा है. ठीक है. अब बात करते हैं बोन्स. बोन्स जस्ट कार्टिलेज की उल्टी है. बोन्स में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो हार्ड होती है. बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड. हार्ड होती हैं और इनको हम दबा भी नहीं सकते. सच एंड रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कॉलाजन फाइबर्स. ये कैसे, कैल्शियम साल्ट से रिच होती है इसलिए वो हार्ड होती हैं. दे गिव्स बॉडी को स्ट्रेंथ देती है और मसल्स का वजन लेके घूमती है बोन, और ये पूरी बॉडी को फ्रेम देती हैं.
दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और ये पूरी बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करवाती हैं। द बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो हमारे जो बोन्स जो हमारी बॉडी में जो सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको बोन सपोर्ट करती है। अब आगे देखते हैं, बोन देखो कार्टिलेज को सीक्रेट करने वाली कॉन्ड्रियोसाइट्स, और जो बोन्स को सीक्रेट करती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन दी स्पेसेस कॉल्ड लकूने। वो लकूमा अलग था और ये लकूने अलग है, ठीक है, तो इसको कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। द लिम बोन्स सच एज द लॉन्ग फंक्शन सर वेट बियरिंग फंक्शंस, जो लिम्ब होता है हमारा, लिम्ब बोन्स होती हैं जो हाथ, मतलब सच एस लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग, जो हाथ की जो बोन्स होती हैं वो उतनी लंबी वो ज़्यादा वो कम लंबी होती है बजाय लेग्स के, और लेग्स की बोन्स होती हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं क्योंकि उनको पूरी बॉडी का वजन उठाना होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटन मसल एंड अटैच टू डैम टू ब्रिंग मूवमेंट, और वो स्केलेटन मसल से अटैच होती है जिससे उनमें मूवमेंट हो सके, मसल से अटैच होंगी, और जो हमने बताया था कि मसल्स और बोन्स को अटैच करने वाला कौन होता है, जो मसल्स को बोन से अटैच करे वो तो हो गया हमारा लिगामेंट, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी टेंडन्स हो गया, और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को करता है। द बोन मैरो इज द सम बोन्स इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो बोन एक खास बात होती है मैमल्स की बोन में, उनमें हर्बेशियन कैनाल पाई जाती है, ठीक है, वो हर्बेशियन कैनाल जो पाई जाती है उससे हमको पता लगता है कि हमारी हड्डी टूट गई है कि नहीं हुई, अगर वो नहीं होती तो आज अगर हमारी हड्डी टूटती होती ना तो हमको पता नहीं होता, ठीक है। जो बोन मैरो होता है वो उससे हमारी RBCs का प्रोडक्शन होता है, WBCs का प्रोडक्शन होता है और प्लेटलेट्स इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें दिखा रहा है आपको, ये बीच में हर्बेशियन कैनाल पाई जाती है, मैमल्स की बोन है, ऑस्टियोसाइट जो कि सीक्रेट करती है बोन्स, हर्बेशियन कैनाल और ऑस्टियन, इस पूरी बोन्स को ऑस्टियन कहते हैं, ठीक है। ये NCERT का डायग्राम, चलो अब आगे देखते हैं। ब्लड हमारा लास्ट पार्ट होता है जो कनेक्टिव टिशू का, उसको हम कहते हैं ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूड कनेक्टिव टिशू, अब ये ब्लड को इसमें कनेक्टिव टिशू में यूँ रखा गया है क्योंकि ब्लड पूरे किसी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ब्लड, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कनेक्टिव टिशू में कि जो ब्लड होता है वो कोलाजन फाइबर सीक्रेट नहीं करता है, तो इसलिए स्पेशल है। ब्लड होता है वो रेड ब्लड से, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, एक तो प्लाज्मा पार्ट होता है, उसके कॉर्पसल्स होते हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस, वेरियस सब्सटेंस में हमारे हार्मोन्स आती हैं, गैसेज आती हैं और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि हमारा ब्लड हेल्प करता है। ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर में भी हेल्प करता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 17 और 18 में पढ़ेंगे। ये ब्लड में दे रखा है ये RBCs, प्लेटलेट्स और W। ह्यूमन की जो RBC होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पर मैच्योरिंग टाइम में ह्यूमन की RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको हमारे, मतलब आपको हमको अगर और जानकारी पानी है और अगर नोट्स चाहिए, तो आप फर्दर नोट्स के लिए आप इस साइट टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे विदा लेता हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो थैंक यू, बाय बाय।